हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। दोस्तों, एशिया कप के 17वें एडिशन का आयोजन वर्ल्ड कप से एक महीने पहले यानी सितंबर में किया जाएगा। दोस्तों, एशिया कप 2023 की मेज़बानी का अधिकार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास था, यानी एशिया कप के 17वें सीजन का आयोजन पाकिस्तान में होना था। दोस्तों, बीसीसीआई के सचिव और एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष जय शाह ने एशिया कप को लेकर जो बर्लिन में मीटिंग हुई है उसमें यह साफ कह दिया है कि एशिया कप खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगा। दोस्तों, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से पाकिस्तान को तगड़ा झटका लगा है। दोस्तों, जय शाह ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि एशिया कप खेलने के लिए भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान नहीं जाएगा, लेकिन यह साफ नहीं हो पाया था कि क्या सच में भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान जाएगा कि नहीं। दोस्तों, इस पर फाइनल फैसला भारत सरकार को लेना था। दोस्तों, पाकिस्तान को उम्मीद था कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान जरूर आएगा, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि भारतीय क्रिकेट टीम एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। दोस्तों, जय शाह ने 4 फरवरी को यह साफ कर दिया है कि भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। अब दोस्तों सवाल यह है कि अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा तो क्या एशिया कप को होगा कि नहीं। अगर भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा तो सबसे पहले तो एशिया कप को पाकिस्तान से किसी अन्य जगह पर शिफ्ट किया जाएगा दोस्तों, क्योंकि भारत के बिना एशिया कप खेलना नामुमकिन है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं होगा तो एशिया कप कहाँ खेला जाएगा। दोस्तों, एशिया कप कहाँ खेला जाएगा इस पर फाइनल फैसला मार्च में किया जाएगा। दोस्तों, अगर एशिया कप पाकिस्तान में नहीं खेला जाएगा तो एशिया कप यूएई या श्रीलंका दोनों में से किसी एक देश में एशिया कप का टूर्नामेंट खेला जा सकता है। दोस्तों, इस समय श्रीलंका का आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है तो सबसे ज़्यादा चांसेस यूएई का है। दोस्तों, इससे पहले भी यूएई एशिया कप का आयोजन कर चुका है। दोस्तों, अब चलिए समझते हैं कि भारत पाकिस्तान क्यों नहीं जाना चाहता। दोस्तों, इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दोनों देशों के बीच खराब संबंध और सुरक्षा, ये दो मेन वजह है। इसी कारण बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट टीम को पाकिस्तान नहीं भेजना चाहता। दोस्तों, अभी अभी कुछ ही देशों के क्रिकेट बोर्डों ने अपनी टीम को पाकिस्तान का दौरा करने के लिए, वहाँ क्रिकेट खेलने के लिए अपनी टीम को पाकिस्तान भेजे हैं, वरना करीब 20 सालों से कोई भी क्रिकेट टीम पाकिस्तान का दौरा नहीं कर रहे थे, क्योंकि वहाँ सुरक्षा एक बहुत बड़ी वजह है। इस कारण कोई भी टीम पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। दोस्तों, जब जय शाह ने अक्टूबर 2022 में कहा था कि भारत एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा तो उस समय पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष रमीज राजा थे। दोस्तों, रमीज राजा ने इसके जवाब में यह कहा था कि अगर भारत पाकिस्तान एशिया कप खेलने के लिए नहीं आएगा तो पाकिस्तान भी वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भारत नहीं जाएगा। दोस्तों, क्योंकि एशिया कप के तुरंत बाद भारत में ही वनडे वर्ल्ड कप खेला जाना है। लेकिन दोस्तों, अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजम सेठी है। दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कहा है कि अगर भारत पाकिस्तान नहीं आएगा तो एशिया कप को कहीं और किसी अन्य जगह पे शिफ्ट किया जाएगा और पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप खेलने के लिए भी भारत जरूर जाएगा। तो दोस्तों, अब हमको मार्च में पता चलेगा कि एशिया कप का फाइनल वेन्यू कहाँ होगा, कि एशिया कप कहाँ खेला जाएगा। दोस्तों, एशिया कप में वर्ल्ड कप से पहले एक बार फिर भारत और पाकिस्तान के बीच एशिया कप में मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि एशिया कप के लिए भारत और पाकिस्तान को एक ही ग्रुप में रखा है। दोस्तों, एशिया कप में कुल 6 टीमें शामिल होगी। इन 6 टीमों को 2 ग्रुपों में बांटा गया है। दोस्तों, ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान और एक क्वालिफायर टीम को रखा है। वही ग्रुप बी में श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान की टीम को रखा है। दोस्तों, सितंबर में एशिया कप खेला जाएगा और एशिया कप के तुरंत बाद अक्टूबर 2023 में वनडे वर्ल्ड कप खेला जाएगा। दोस्तों, वनडे वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए इस बार एशिया कप को वनडे फॉर्मेट यानी 50-50 ओवरों का खेला जाएगा। तो दोस्तों, आगे ऐसी एशिया कप के अपडेट और क्रिकेट की छोटी छोटी जानकारी के लिए आप लोग मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और मेरा यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।